कैसे हो? सब अच्छा? तो फिर काफी बच्चों को इंटरेस्ट आ रही थी सर डिफरेंशिएशन पे वीडियो बनाई है, तो मैंने बता दिया था आप लोगों को यार मैं टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे करके दूंगा, एक दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज का ये जो पहला लेक्चर है ये डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। आज के जो लेक्चर है सबसे पहले डिफरेंशिएशन का है, और जो नाइट वाला लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा तुमको पार्टनरशिप का, वाई रूम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो पार्टनरशिप का होगा। तो भैया आप लोगों को सारे लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट में देखिए, आपको सारे लेक्चर हो जाएंगे। मैंने कवर करा दिए हैं, आपके एज करा दिया है, वर्क एंड टाइम करा दिया है, ठीक है, और साइकिल हो गया है, डिटरमिनेंट हो गया है, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, सेट थ्योरी हो गया है, आपके साथ 7 लेक्चर टॉपिक कंफर्म हो गए हैं, ठीक। तो अब बाकी जो बचे हैं वो धीरे धीरे एक एक दिन करके कराता रहूंगा। तो आज का जो भी स्टार्ट करूंगा वो होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन पे। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। आकलन, और इस टॉपिक में आज जो है आज हम इसके बेसिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, और अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, 3 पार्ट डिवाइड होगा ये, और उसके बाद अगले लेक्चर में और क्वेश्चन अच्छे करेंगे। तो सीधे चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि फलन क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होता है। अब मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में बताता चलूंगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको बोलेंगे जो y है x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसे? y इज इक्वल टू fx, ठीक। अगर इसी टर्म में होता y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, तो इसको क्या बोलते हैं, y जो है z का फंक्शन है, ये किसका है, y x का फंक्शन है, y z का फंक्शन। अगर मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो dy अपॉन dx, मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x का अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। इसमें dy अपॉन क्या लिखोगे, dz लिखोगे, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, जो यहां होगा उसके रिस्पेक्ट में। आप समझना, ये तो क्लियर हो गया। अगर x के रिस्पेक्ट में कर लो, उसके बाद वो टर्म जिसमें x नहीं है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ये क्या हो गया इसमें, कॉन्स्टेंट। ये हुआ, अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3x, और मैं बोलता हूं dy अपॉन dz फाइंड करो, तो भैया z को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। इतना क्लियर हो गया, कॉन्स्टेंट में ये आ गए। आगे चलते फॉर्मूले की तरफ, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है dy/dx x टू पावर n एम एक्स टू पावर n माइनस वन, यानी n आगे आएगा पावर में, n सबट्रैक्ट हो जाएगा, dy/dx sin x इज इक्वल टू cos x, dy/dx cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x, dy/dx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, dy/dx sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, dy/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, dy/dx cosec x इज इक्वल टू cosec x इंटू cot x, dy/dx constant इज इक्वल टू जीरो, dy/dx e टू पावर x dy/dx log x इज इक्वल टू 1/x, dy/dx e टू पावर x log a, dy/dx साइन इनवर्स x 1/√1 − x² dy/dx cos इनवर्स x 1/√1 − x² भी आएगा माइनस का, dy/dx tan इनवर्स x 1/1 + x² dy/dx sec इनवर्स x
1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। अब हमारे पास दो तीन फॉर्मूले और हैं, dy/dx फर्स्ट इनटू सेकंड, इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज किसका डेरिवेटिव होगा सेकंड का, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज किसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का, क्लियर हो गया। dy/dx फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसमें क्या होगा सेकंड किसका डेरिवेटिव फर्स्ट का माइनस फर्स्ट, डेरिवेटिव किसका करोगे सेकंड का अपॉन सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले एक बार आप लोग देख लो और नोट डाउन कर लो, शायद याद भी होंगे जिसने, अगर आपने इंटर अच्छे से पढ़ा होगा। तो x टू पावर n क्या होता है, nx टू पावर n माइनस 1 sin x cos x माइनस sin x tan x sec स्क्वायर x sec x sec x इंटू tan x cot x माइनस cos x स्क्वायर x cos x माइनस cos x इंटू cot x कॉन्स्टेंट 0 e टू पावर x log x 1 अपॉन x a टू पावर x log a sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x square tan inverse x 1 upon 1 plus x square sec inverse x 1 upon x root के अंदर x square minus 1 first into second plus dy/dx second plus second dy/dx first first upon second second dy/dx first minus first dy/dx second upon second का whole square, इतना clear हो गया। वीडियो पूरा देखना क्योंकि आज मैं इसमें सारे टाइप कराऊंगा। आगे चलते हैं, सबसे पहले होते हैं फर्स्ट टाइप की बात, टाइप फर्स्ट जो कि हमारे पास बेसिक है। इसमें कैसा है, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, हमें तीन चार याद रखने हैं, कौन कौन से याद रखने, एक x का याद रखना 1 होता है, x स्क्वायर का याद रखना 2x होता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर और x रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x और x टू पावर माइनस 1 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हमको रटे होने चाहिए हमेशा। x का क्या होता है 1, x स्क्वायर 2x, x क्यूब 3x स्क्वायर रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, x टू पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्लियर हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं सिर्फ क्वेश्चन एक दो टाउन एग्जांपल भी, जैसे कहता है y इज इक्वल टू रूट x टू पावर माइनस 7, ठीक है। सबसे पहले क्या करो कि x की पावर को सही कर लो, तो x पावर माइनस 7 बाय 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो dy/dx कितना आएगा, x टू पावर n, n आ गया आएगा और इसमें एक सबट्रैक्ट हो जाएगा 7 बाय 2 माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस 7 बाय 2 x टू पावर माइनस 9 बाय 2, क्लियर हो गया। x पावर n लगाया n x पावर n माइनस 1, नेक्स्ट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस cos x प्लस tan x इंटू sec x इसका बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कर दो थोड़ा सा इसको, ये होगा y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस cos x, इसको लिख सकते हैं tan अपॉन sec, यानी कि sin अपॉन cos और 1 अपॉन cos, ठीक है। इसको sec x की आप यहां कर लो cos x, तो ये क्या आ जाएगा यहां पे sin x आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो dy/dx जब करोगे इसका तो कितना आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आ गया है इसमें सबट्रैक्ट हो जाएगा, cos x का माइनस माइनस प्लस sin x का cos x, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमसे कहता कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x है। अब यहां पे हमको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये है एक ये, तो ड्यूअल फंक्शन हो गए, तो इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, तो dy/dx क्या आएगा फर्स्ट सेकंड का करोगे log x का 1 upon x प्लस log x, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x x क्लियर हो गया कैंसिल हो गया, x कॉमन कर लो तो बचा कितना यहां पे x प्लस 2 log x, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। आगे चलते हैं, dy/dx अगर वो बोलता e टू पावर x अपॉन है log x, ये बोलता
ठीक है। अब यहां पे लिखा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लगाओ तो कैसे करोगे, फर्स्ट सॉरी सेकंड e टू पावर x का e टू पावर x माइनस फर्स्ट e टू पावर x log x का 1 अपॉन x अपॉन सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला, सेकंड डिवाइड x फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड x सेकंड। तो ये हो जाएगा e टू पावर x कॉमन कर लो, यहां पे x एलसीएम लोगे तो x log x माइनस 1 अपॉन x और अपॉन हो गया log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा e टू पावर x x log x माइनस 1 अपॉन x log x का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगा दिया, इस टाइप की तो बेसिक हो गए। अब आगे चलते नेक्स्ट टाइप पे, टाइप सेकंड में। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे, पहले टाइप बाय टाइप आपको बता दूं कितने टाइप से होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होगा, जैसे आपका क्वेश्चन होगा साइन क्यूब एक्स ये लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल ऑफ क्यूब, कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल ऑफ क्यूब। लेकिन हमें फॉर्मूला किसका पता है, एक्स की पावर एन का पता है, तो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को क्या मान लो, इसको एज एज्यूम कर लो एक्स। तो ये क्या लिखा एक्स क्यूब, तो जब डीवाई डी एक्स कराओगे तो मैंने बताया एक्स क्यूब का होता है थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। इसको लेट किया था साइन एक्स को, जिसको लेट किया था उसका अगेन करेंगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, तो थ्री कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो गया होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आता है y इज इक्वल टू e टू पावर x स्क्वायर, क्लियर, हमें पता है e की पावर x का फॉर्मूला, किसका पता है e की पावर x का, इसको x लेट करो, जब डिवाइड x करोगे e की पावर x का e की पावर x हो गया, किसको लेट किया x स्क्वायर को, तो जिसको लेट किया उसका अगेन करोगे x स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा 2x, तो आंसर कितना आ गया 2x e की पावर x स्क्वायर। क्लियर हो गया ना इतना, ठीक। तो टाइप सेकंड में क्या सीख रहे हैं, टाइप सेकंड में ये सीख रहे हैं कि हमें जो फॉर्मूला पता हो उसको लेट करो, जिसका फॉर्मूला जैसे इसमें हमें एक्स क्यूब को पता था इसको एक्स लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे फिर जिसको लेट किया उसका अगेन करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक। अब चलते हैं टाइप थर्ड पे। थर्ड क्या है समझते हैं, ये लॉग वाले क्वेश्चन होंगे कैसे, हमसे कहता है y इज इक्वल टू 10 की पावर x, इसका निकालना है। अब क्या करोगे भाई, अब अगर हमारे पास फंक्शन टू पावर फंक्शन है यानी कोई फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन आ जाए तो बोथ साइड क्या कर लेंगे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये होगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 10 टू पावर x, तो ये आ गया लॉग y इज इक्वल टू 10 टू पावर x लॉग 10, क्लियर, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आ गया log y इज इक्वल टू 10 पावर x, कितना आ गया। अब क्या करो log x का 1 अपॉन x, तो log y का 1 अपॉन y, जहां y होगा वहां उसके साथ dy dx होगा, तो ये आ गया dy dx, a की पावर x का a की पावर x log a, तो ये log 10 की वैल्यू फिर से क्या होगी 1, तो dy dx कितना आ गया y 10 टू पावर x, तो y की वैल्यू कितनी है 10 की पावर x इंटू 10 टू पावर x, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ भाई, ये यहां से हमने इसको क्या कर लिया x लेट कर लिया, तो ये हो गया log of कितना, ये पावर आगे आ जाएगी 10 पावर x log 10, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, log y का 1 upon y dy dx, 10 की पावर x a की पावर x log a, तो a की पावर x log a हो गया, dy dx जब करोगे तो y इधर चला जाएगा 10 की पावर x हो गया, ठीक, a की पावर x, अब तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी कितना हो गया 10 की पावर 10 की पावर x। अब क्या है सिवा, जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, ठीक, फिर फंक्शन टू पावर फंक्शन आ रहा है तो वो सर क्या बोलो log ले लो, तो log y इज इक्वल टू कितना आएगा log ऑफ e टू पावर x प्लस वाई, क्लियर, ये पावर आगे आ जाएगी तो log y इज इक्वल टू कितना आ गया x प्लस वाई और log ऑफ e, लॉग की वैल्यू क्या होती है 1, ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डीवाई डीएक्स, एक्स का क्या होता है 1, वाई है तो डीवाई डीएक्स, क्लियर हो गया, डीवाई डीएक्स वन साइड ले जाओ, डीवाई डीएक्स वन साइड गया तो बचा कितना
1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. अब इसी में लो भैया यहां से डिवाइड dx आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस y. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, क्लियर हुआ ना. अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ. ठीक टाइप 4 टाइप 4 में क्या होगा हमारे पास, इसमें इनवर्स वाले क्वेश्चन होगा. कैसे, जैसे उसने कहा साइन इनवर्स x स्क्वायर y इज इक्वल टू, तो भाई इसको x लेट कर लो, साइन इनवर्स x हो गया, तो डिवाइड इसे करोगे तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर. जिसको लेट किया उसका अगेन करेंगे तो x स्क्वायर कितना आ गया 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो गया इनवर्स में. अब अगर क्वेश्चन ये होता y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, अब क्या करते, अब क्या करते, सोचो. तो यार अगर इसको x लेट करते तो बहुत अच्छा होता, बहुत लंबा हो जाएगा. तो लोग ऐसा कुछ x को लेट करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए. तो लोग x वाला क्या लेट कर लें, sin theta, और theta वाला कितना आएगा, यहां से निकालो sin inverse x, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, y is equal to sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta, कितना हो गया. तो y is equal to आ गया sin inverse, ये हो गया 2 sin theta और into क्या बचेगा यार, cos theta. तो y is equal to sin inverse sin 2 theta हो गया, sin sin cancel, y is equal to कितना हो गया 2 theta, y is equal to 2 theta की वैल्यू कितनी है sin inverse x. तो यहां से डिवाइड dx कितना आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. क्लियर हो गया, हुआ क्या. तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि x को ऐसा लेट कर लेंगे कि हमारे पास अंदर जो वैल्यू है sin बन जाए. तो x is equal to क्या कर लिया, sin theta लेट कर लिया, theta is equal to कितना आ गया sin inverse x. तो y is equal to sin inverse 2 sin theta into root के अंदर 1 minus sin square theta, ये हो गया cos theta, sin 2 theta हो गया, sin sin cancel हो गया, 2 theta आ गया, 2 theta क्या है sin inverse x आ गया, डिवाइड ये कितना आएगा 2 sin inverse x का 1 upon under root 1 minus x square. देख लें एक बार, चलिए आगे चलते हैं. इस वीडियो में मैं सारे टाइप करा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को. अब हमारे पास अगर क्वेश्चन था y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. अब क्या लिख करोगे, x को क्या मानोगे, x को कर लो 2 theta, यानी कि सॉरी 10 theta, x is equal to यहां से लिख करो 10 theta, तो theta is equal to कितना आएगा 10 inverse x, y is equal to cos inverse 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta, y is equal to cos inverse cos 2 theta, cos से cos cancel हो गया 2 theta आ गया 2 10 inverse x, क्योंकि theta की value कितनी है 10 inverse x, तो dy dx कितना आएगा 2 upon 1 plus x square. क्लियर हो गया, यानी हम लोग कुछ भी हो तो ऐसा लेट करेंगे कि वैल्यू आ जाए. अब काफी लोगों के पास प्रॉब्लम्स ये है भैया कब क्या लेट करेंगे, ठीक है. तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं लोगों को कुछ चीजें कि अगर कहीं पे भी हमारे पास cos x plus sin x upon cos x minus sin x आ जाए, भैया ये वैल्यू होती तुम्हारे पास 10 pi by 4 minus x की. अगर हमारे पास कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वहां सीधे सीधे ये याद रखना कि हम लोग लेट करेंगे 10 थीटा, यानी x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 10 थीटा. अगर कहीं पे भी आ जाए 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो वहां पे x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 10 थीटा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वहां पे भी x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 10 थीटा. ये फॉर्मूला होता है सारे 10 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, ठीक है.
या फिर अगर आपके पास आ जाए टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, वहां पे x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख करेंगे, कॉस थीटा। अगर हमारे पास बनता है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। ऐसे हम लोग याद रखने हैं, इतने याद रखने कि कब लोगों को क्या लेक्ट करना है। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक, नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा है, फिफ्थ है, ठीक है। टाइप फिफ्थ में क्या है, टाइप फिफ्थ में ये होगा हमारे पास उत्तरोत्तर अवकलन, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कि अगर हमको y इज इक्वल टू गिवन है x क्यूब, ठीक है, हमसे कहता इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तो अगर इसका वन टाइम डेरिवेटिव करोगे इसको लिखते हैं y1 या फिर dy upon dx या फिर f dash x, सेकेंड टाइम y2 d2y upon dx2 या फिर f double dash x, थर्ड टाइम y3 d3y upon dx3 या फिर f triple dash x, ऐसे हमारे पास n टाइम्स होता है। क्लियर हुआ, अभी जब आपका क्वेश्चन था y is equal to x cube, हमसे कहता है इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, यानी y2 फाइंड करना है, तो y1 क्या आएगा 3x square, और y2 क्या आएगा, y1 का डेरिवेटिव करेंगे ना कि इसका फाइंड कर देंगे, y1 का डेरिवेटिव तो कितना आएगा 6x square, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अगर हमसे कहता है y is equal to 3x cube plus 6x, हमसे कहता है d3y upon dx3 फाइंड करना है, तो कैसे होगा, dy dx यानी y1 फाइंड करो, 9x square plus 6, d2y dx2 कितना आएगा 18x, d3y dx कितना आएगा 18, क्लियर हो गया ना, इस टाइप के हो जाएंगे। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, पहले आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लोज है, ये हो गया ना, दो टाइप और है, इसके बाद हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू या फिर सापेक्ष अवकलन, कैसे, y इज इक्वल टू हमसे कहता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमको फाइंड करना था 3x के रिस्पेक्ट, इसके सापेक्ष, यानी कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 3x, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करो, dy1 upon dx x स्क्वायर का 2x, dy2 upon dx ये हो गया 3x, ना क्लियर हो गया, 3 आ गया, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी dy1 upon में क्या निकल रहा है dy2, तो आएगा 2x upon 3, कितना आ जाएगा सर 2x by 3, क्लियर हो गया ना, सीधे से देखता है ना, जिसके भी रिस्पेक्ट में आएगा दोनों का अलग अलग से अपने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, इस टाइप के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप सेवन की तरफ, तो टाइप सेवन क्या है, आप समझो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर होगा और y इज इक्वल टू 280, क्या है हमको dy upon dx फाइंड करना है, ठीक है, तो बोथ का सेपरेट अलग अलग कर ले, t के रिस्पेक्ट में dx upon dt a 2t, dy upon dt कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, dy dx ये ना, तो y वाला फर्स्ट है और उसके बाद x वाला सेकंड टर्म में रखेंगे, 2a upon 2at कैंसिल हो गया 1 upon t, क्लियर हो गया, ठीक, आ गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमसे कहता है y इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू टेन थीटा, हमसे कहता है फाइंड द dx dy upon dx, तो बोथ का थीटा के रिस्पेक्ट कर लो, dy upon d थीटा साइन का आएगा cos थीटा, dx upon d थीटा और 10 का आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो dy dx फाइंड करना है, तो cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा यानी cos ऑफ क्यूब थीटा, ये टाइप क्लियर हो गया ना, अब चलते हैं लास्ट टाइप है आज का, ठीक है, उसके कल से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। टाइप 8 ये क्या होगा,
अभी इसमें हमसे एक सीरीज बनता है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां से सीरीज ब्रेक हो रही होगी उसको वाई मान लेंगे। जैसे ये इन्फिनिटी टर्म से, तो इससे अगर एक टर्म निकालो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम कहते हैं एक टर्म निकाल तो ये सीरीज वाई निकली है, तो जहां सीरीज ब्रेक हो रही है उसको क्या कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। तो सीरीज यहां से ब्रेक हो रही है इसको वाई कर लेते हैं ठीक है। रूट बेटा ना वो सेट स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव कर लो टू वाई डीवाई एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा माइनस का डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स वन साइड ले आओ कितना बचा 2y minus 1 is equal to minus sin x, तो फाइनल आंसर क्या आएगा डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y minus 1। ये वो यानी कि जहां से सीरीज ब्रेक हो रही है वहां से हम लोग कर लेते हैं। आ गया ना, एक और देख लेते हैं इसका, और फिर कल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। y is equal to e to power x plus e टू पावर x प्लस e टू पावर x एस एस सी तो कोई जरूरत ब्रेक हो रही ना, तो इसको कर लेंगे y इक्वल टू e टू पावर x प्लस y। वो सेट करो log ले लो, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, log y इक्वल टू log ऑफ e टू पावर x प्लस y, उठा के ले आओ log y इक्वल टू x प्लस y आ जाएगा, log e की वैल्यू 1, इसका डेरिवेटिव मैं करा चुका हूं ठीक। इतना हो गया। तो भैया आज तो हम लोगों के सारे टाइप क्लियर हो चुके हैं, कितने टाइप हैं, 8 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। और जो कल होगा तो कल का लेक्चर मैं रिसेंट वाली बुक पहले कराऊंगा, तो उससे कम से कम 30 क्वेश्चन करा देंगे ठीक है, फिर आगे कराएंगे। तो भैया इतना लेक्चर देखना आपको, और शाम को जो है आज मैं वाई ग्रुप का काफी रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसलिए वाई ग्रुप का करा दूंगा, और टॉपिक होगा शाम को पार्टनरशिप ठीक। तो आप लोग इतनी मतलब प्रैक्टिस करें, मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।